वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान के राजस्व व्यवस्था को लेके बनाया हुआ है। मेनली ये क्वेश्चन राजस्थान के जो एग्ज़ाम होते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, RAS, SI, इन सब में पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं अपन ने क्वेश्चन की तरफ। मध्यकाल में राज्य की आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार क्या था? तो कृषि एवं राजस्व इसका आंसर है। किस प्रकार की भूमि पर राजा का सीधा नियंत्रण होता था? जो खालसा भूमि होती थी उस पर राजा का सीधा नियंत्रण होता है। बता दो, जब जैसलमेर में हुआ हुआ है, जोधपुर में हुआ है, डायरेक्ट दिल्ली से नियंत्रण रहता था इनका, तो खालसा भूमि ये कहते हैं। भू राजस्व व्यवस्था में वित्त एवं राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण दीवान रखता था। लावणी का संबंध क्या होता है? लावणी का संबंध फसलों की कटाई से होता है। धर्मार्थ कार्यों के लिए वसूल किया जाने वाली लाग खेड़ा लाग कहलाती है। मध्यकाल में परगने का महत्वपूर्ण अधिकारी अमिल को माना जाता था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में किसानों को भूमि कर के अलावा वसूला जाने वाला कर लाल बाग कर, ये इन्हीं के कारण लाल बागों के कर अधिक थे, इसी कारण जो किसान आंदोलन है राजस्थान में वो हुए थे। मध्यकाल में किन किसानों को बापीदार कहा जाता था? तो भूमि एवं वंशानुगत अधिकार प्राप्त जो होते थे उनको बापीदार कहा जाता है। इनके बारे में व्याख्या दी हुई है। बापीदार कृषकों को मोहर छाप लिखित पट्टा प्रदान किया जाता था। ऐसे काश्तकार पट्टे में उल्लेखित भूमि को जोतने के वंशानुगत निजी अधिकारों का उपयोग करते थे। नेक्स्ट है, मध्यकाल में किसानों को निश्चित समय के लिए भूमि पट्टे पर दी जाने वाली प्रणाली कहलाती थी, तो रैयतवाड़ी प्रणाली कहते हैं इसको। नेक्स्ट है, मध्यकाल में भूमिहीन किसान कहलाते थे, तो पाही कास्त भूमिहीन कहलाते थे, पाही कास्त। तालाबों या कुओं द्वारा सिंचित भूमि को क्या कहते हैं? तो पीवल, पीवल कहते हैं, राजस्थानी वर्ड है पीवल। नेक्स्ट है, वे भील मीणा या राजपूत जिन्होंने राज्य की रक्षा अथवा राजकीय सेवाओं के लिए अपना बलिदान किया था कहलाते थे भौमिये, जबकि अभी अपन शहीद कहते हैं इनको, उस टाइम भौमिये कहते थे। मारवाड़ में राजस्व के अतिरिक्त किसानों से कौन सा कर वसूला जाता था? तो दोस्तों, इसका आंसर मलबा, ये कर था मारवाड़ में मलबा। लाटों को और किस नाम से जाना जाता था? तो लाटों को बंटाई कर से जाना जाता है, और लाटा भू राजस्व वसूली के लिए अपनाई जाने वाली एक प्रणाली थी। दरबार या दरबार की अनुमति से जागीरदार द्वारा विद्वानों, कवियों, ब्राह्मणों, चारण भाटों को दी गई भूमि शासण कहलाती थी। नेक्स्ट है, अधिकारियों के खान पान के लिए गांव वालों से वसूला जाने वाले कर को सिराणा कहते हैं। दोस्तों, सिराणा अपन राजस्थान वर्ड में तकिए को भी कहते हैं सिराणा, और सिरावण होता है वो मॉर्निंग का जो भोजन होता है, जो अपना अर्ली मॉर्निंग जो करते हैं उसको सिरावण कहते हैं राजस्थानी, और सिराणा तकिए को कहते हैं, जबकि पुराने टाइम पे खान पान के लिए वसूला जाने वाला कर था। नेक्स्ट है, प्रत्येक किसान के परिवार के प्रत्येक सदस्य से जो 5 वर्ष से ज़्यादा आयु का होता था, प्रति सदस्य 1 रुपया लिया जाता था, इस कर को अंग लाग कर कहते थे। नेक्स्ट है, कांसा परोसा क्या था? तो ये कांसा परोसा एक भूमि का एक प्रकार था, भूमि प्रकार की एक लाग थी, ये राइट लगा रखा है इसमें, गलत है, भूमि प्रकार की एक लाग है। नेक्स्ट है, खालसा की पड़त भूमि पर पशुओं को चराने के लिए राज्य को दिया जाने वाला लाल लाग कौन सा था, कर कौन सा था? तो घासमारी इसका आंसर है। किसानों के पुत्र या पुत्री कर विवाह पर कितने रुपए चौवरी कर के नाम पर लिए जाते थे? तो 1 से लेकर 25 रुपए तक लिए जाते थे। जो किसान आंदोलन होने में जो करों का महत्वपूर्ण योगदान है उसमें चौहरी कर भी शामिल है। नेक्स्ट है, भू राजस्व कर्मचारी पटेल, पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार एवं चौधरी जो किसानों से अवैध वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो इसका आंसर दोस्तों दस्तूर। नेक्स्ट है, कौन सा लाग कर शिक्षा के नाम पर जागीरदारों द्वारा वसूला जाता था? तो यह है पंडित की पाग, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जागीरदार द्वारा व्यापारियों व किसानियों से ली जाने वाली भेंट क्या कहते थे? तो मालिया मिलनों, इसका ये काफ़ी अजीब से नाम है, आप इनके याद रखें। जागीरदार द्वारा व्यापारियों व किसानियों से ली जाने वाली भेंट मालिया मिलनों। नेक्स्ट है, जागीरदार की निसंतान मृत्यु होने पर जागीर खालसा को कहा जाता था? तो राजगामिता। और दोस्तों, मैं आपको, मेरे को लाड डल हो जो कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की वो एक स्टोरी याद आ रही, जिसने क्या है कि जिनके बच्चा बच्ची नहीं होता था जिस राजा के या जमींदार के, तो उनकी भूमि को अधिग्रहित कर लेता था। तो ये जो इंग्लिश में इसको डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं, जो राज्य हड़प नीति इसको हिंदी में कहते हैं, तो ये डलहौजी ने चालू की थी। नेक्स्ट देखते हैं अपन।
रनिवास में रानियों या गुजारधारा के निर्वाह हेतु दी जाने वाली भूमि अलुफा कहलाती थी। अलुफा मुसलमान को दान की गई भूमि, मिल्क दूध, दूध नहीं है इसका मतलब, कुछ और था, मिल्क कहते थे उसको। मध्यकाल में भू राजस्व राज्य का भाग निश्चित करने वाला अधिकारी साहनो उसका नाम है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में परगने में चुंगी कर वसूला जाता था, ये शायर दरोगा द्वारा वसूला जाता था चुंगी कर। मध्यकाल में कर निर्धारण की सबसे प्राचीन प्रणाली को बाओली कहा जाता था, बाओली। नेक्स्ट है, मध्यकाल में पैदावार के ढेर या खेत पर खड़ी फसल पर अनुमान लगाकर वसूल किया गया कर कानकूत या काकड़ कहलाता था। नेक्स्ट है, कर्ज के बदले बेगार लेने वाली प्रथा सागड़ी प्रथा थी। नेक्स्ट है, खेत की रखवाली के लिए किसानों द्वारा पेड़ की शाखाओं पर बनाई गई छत डावड़ो, या डावड़ो भी कहते हैं इसे, डावड़ा। नेक्स्ट है, राजपूत राज्य में संपूर्ण उत्तरी भारत का व्यवसायिक केंद्र पाली था। नेक्स्ट है, सार्थवाह को स्थानीय भाषा में, दोस्तों सार्थवाह को स्थानीय भाषा में बालद कहा जाता था। नेक्स्ट है, मध्यकाल में राजपूतों ने और मध्य प्रदेश में पंचपदरा में कौन से नमक की मांग सर्वाधिक थी, तो कोसिया नमक की मांग सर्वाधिक थी। नेक्स्ट है, ऊन के निर्यात में राजपूताने के किस कस्बे का महत्वपूर्ण स्थान था, आंसर इसका जैसलमेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकाल में राज्यों का राजस्व के महत्वपूर्ण स्रोत चुंगी एवं राहदारी शुल्क था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यकाल में निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं नीम, अफीम वे ऊन जो निर्यात की जाती थी। नेक्स्ट है, मध्यकाल में राज्यों के दूसरे राज्यों से विक्रय हेतु तो आने वाले सामान को आमद कहते थे अपन। नेक्स्ट है, मध्यकाल में वस्तुओं के आयात निर्यात का भुगतान किस प्रथा द्वारा किया जाता था, तो दोस्तों इसका आंसर हुंडी प्रथा द्वारा आयात निर्यात किया जाता था। मध्यकाल में नमक निर्यात का काम होता था बंजारों द्वारा, इसका मुख्य काम होता था नमक के निर्यात का। मलमल बनाने का सर्वोत्तम काम कोटा में होता है। लकड़ी के खिलौनों का प्रमुख औद्योगिक या व्यापारिक केंद्र कह सकते हो तो आप सवाई माधोपुर, इसका आंसर है। नेक्स्ट, सामंतों द्वारा पुण्यार्थ दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी, उसको डोली कहते थे। निम्न में से सत्य कथन है, गलत हंस पानी से भरी हुई जमीन, हकत बहत जोती जाने वाली जमीन, माल काली उपजाऊ जमीन, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, ये सारे को सत्य है ये कथन। नेक्स्ट है, माफीदार जोते कहलाती थी दोस्तों, तो खांगी उदक और भोग ये माफीदार जोते कहलाती थी। नेक्स्ट है, प्रति कुआ अथवा प्रति खेत पैदावार की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करना कहलाती थी, तो वो गुगरी कहलाती थी दोस्तों। और गुगरी चावल और चने से बनाई हुई एक तरह का आप व्यंजन के को भी गुगरी कहते हैं राजस्थान में। नेक्स्ट है, बीकानेर में किस पद्धति से लगान एकत्रित किया जाता था, तो बीत की बाच ये नाम था जिससे इस पद्धति से लगान वसूल किया जाता था बीकानेर में। खेत में नृतक घास को उखाड़ना लूरबो या लूरना दोनों एक ही चीज है, वो कहते हैं राजस्थान में लूरना मतलब खरपतवार को बाहर निकालना। नेक्स्ट है, पत्थर फेंकने के लिए सण या सूती की बट लगाई गई पट्टी अथवा चमड़े की गौणवर्थ कटी हुई पट्टी गोफण कहते हैं दोस्तों। ये गोफण से अपन पत्थर काफी दूर तक फेंक सकते हैं। जनरली गोफण का प्रयोग खेतों में पड़ने वाले तोतों और पशु पक्षियों को, पशु तो नहीं पक्षियों को भगाने के लिए काम में ली जाती थी। नेक्स्ट है, असोज माह में भूमि की तपन को शांत करने के लिए पानी फेरने की जो प्रक्रिया है वो रेलनी कहलाती है, या फिर रेलना, दोनों ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऊंची भूमि का खेत टेको या मेरुटो कहता है। तो दोस्तों इस वीडियो में राजस्थान के जो मध्यकाल या प्राचीन काल में जो राजस्व संबंधी चीज़ें थी उनके बारे में अध्ययन किया हमने। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक लेके आएंगे। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि हम अब तक लेटेस्ट वीडियो और नए अपडेट्स पहुँचा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।